हेलो एवरीवन यूनिट टेन ऑसिलेशन एंड वेव सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं हम ऑसिलेशन सीरीज़ में इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ एसएचएम एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में चलिए क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन या एस A particle is said to execute SHM if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force, which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. SHM -me displacement ka formula y is equal to a sin omega t, velocity ka formula v equal to a omega cos omega t.

इन प्रैक्टिस विकम एकस्टम्स दैट एग्जीक्यूट एस एच एम अप्रॉक्सिमेटली अंडर सर्टन कंडीशन जैसे कि सिंपल पेंडुलम या मोशन ऑफ लिक्विड इन ए यू शेप ट्यूब या फिर आपका हो गया ओसिलेशन ऑफ स्प्रिंग और बहुत एग्जाम्पल है जिनके बारे में आप आने वाले वीडियोज में देखोगे लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कि वो एस एच एम मोशन को एग्जीक्यूट करता है तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक स्प्रिंग है ए बी ऑफ नेग्लिजिबल सस्पेंडेड फ्रॉम ए अब हमने इसके बी वाले एंड पे जब मास लगाया एम तो क्या होगा ये एक्सटेंड करके पहुंच गया सी की पोजीशन पे सच दैट बी सी इज इक्वल्स टू एल और इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो गई एफ विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एल दिस इज इक्वेशन नंबर वन अच्छा जिसमें के आपका हो गया स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट

क्योंकि एफ और एम जी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए एफ इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी रखा है ठीक है अच्छा तो माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एल इक्वेशन वन से ये एफ इक्वल टू माइनस के एल था तो यहाँ से मेरे पास आया एम जी इज इक्वल्स टू के एल आगे कॉन्टिन्यू करते हैं नाउ डिस्प्लेस द अटैच्ड मास टू पॉइंट डी थ्रू वाई बिलो सी सिंपल भाषा में इसको और स्ट्रेच कर दिया डी की पोजीशन पे ले गए सच दैट सी डी इज इक्वल्स टू वाई हो गया ठीक है टोटल एक्सटेंशन हो गई एल प्लस वाई रिस्टोरिंग फोर्स अब हो जाएगी एफ डैश सो एफ डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एल प्लस वाई दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब हम एफ डैश माइनस एफ निकालेंगे वो आएगा माइनस ऑफ के वाई ना इफ द मास एम इज रिलीज देन अंडर द एक्शन ऑफ एफ डैश माइनस एफ द मास विल रिटर्न टू सी इफ़ ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूज इन मोशन ऑफ एम सो वी कैन राइट ए इज़ इक्वल टू एफ डैश माइनस एफ अपॉन एम एफ डैश माइनस एम की वैल्यू रखेंगे माइनस ऑफ के वाई तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वाई बाई एम अब यहाँ पे के और एम दोनों ही कॉन्स्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज़ प्रपोर्शनल टू डिसप्लेसमेंट एट दैट टाइम एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्वलिब्रियम ये कैसे पता चला नेगेटिव साइंस से तो हम इन टोटेलिटी कह सकते हैं कि मोशन क्या है एस एच एम और अगर मोशन एस एच एम है तो टाइम पीरियड आपका होगा टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ वाई बाय ए जिसको हम लिख सकते हैं टू पाई अंडर रूट ऑफ़ एम बाय के क्यों क्योंकि ए इज इक्वल्स टू के वाई बाय एम इन मैग्नीट्यूड होता है तो वाई बाय एम बाय के हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी ये क्यों लिख सकते हैं क्योंकि एम जी इज इक्वल टू के एल होता है तो एम बाय के एल बाय जी के बराबर होगा यहाँ पे आपका एम हो गया इनर्शिया फैक्टर और के हो गया स्प्रिंग फैक्टर ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग में कॉम्बिनेशन पहला आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हमने क्या कंसिडर किया कि एक बॉडी है दो पैरेलल स्प्रिंग्स से कनेक्ट करके सस्पेंड की गई है और इन दोनों स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट है के वन और के टू रेस्पेक्टिवली अब हमने इस बॉडी को थोड़ा सा खींचा वाई के डिस्टेंस से ये डिस्प्लेस हुई तो हर एक स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच कर गई बाय लेंथ वाई ठीक है तो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप इन स्प्रिंग वन ड्यू टू एक्सटेंशन कितनी होगी एफ वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वन वाई और दूसरे में होगा एफ टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टू वाई टोटल रिस्टोरिंग फोर्स होगी एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू दैट इज माइनस ऑफ इन ब्रैकेट के वन प्लस के टू इन टू वाई ठीक है तो माइनस ऑफ के वाई वेयर कैपिटल के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू टाइम पीरियड निकालें तो इक्वल हो, तो हो जाएगा फिर आता है सीरीज कॉम्बिनेशन कंसीडर अ बॉडी सस्पेंडेड बाय टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज विद स्प्रिंग कांस्टेंट्स के वन एंड के टू

Y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू इसमें हमने Y1 और Y2 की वैल्यू पुट की तो हम लिख सकते हैं Y इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू टू एफ जिसे हम लिख सकते हैं माइनस इन ब्रैकेट के वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू इंटू एफ विच कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ एफ बाई कैपिटल के वेयर कैपिटल के इज इक्वल टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अगर दो स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वन बाय के इज इक्वल टू वन बाय के वन प्लस वन बाई के टू विच विल गिव के इज इक्वल टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू अब निकालते हैं टाइम पीरियड विच इज टी इज इक्वल टू टू पाए अंडर रूट ऑफ एम बाई कैपिटल के कैपिटल के वैल्यू पुट की तो हमारा टी आ जाता है टू पाए अंडर रूट ऑफ टू इन ब्रैकेट के वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू अगर के वन और के टू इक्वल हैं उस सिनेरियो में टी जो है वो निकलता है टू पाई अंडर रूट ऑफ टू एम बाय के चलिए टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के आर अटैच टू ए ब्लॉक ऑफ मास एम

टू द राइट साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजिशन यानी कि ये डिस्टेंस आपका हो गया एक्स अंडर दिसन द स्प्रिंग ऑन द लेफ्ट साइड गेट्स इलांगेटेड बाय अक्वल टू एक्स एंड ऑन द राइट साइड गेट कंप्रेस्ड बाय द सेम लेंथ ठीक है नाउ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज दिस वन

ये वाली कंप्रेस हो गई तो ये भी इस पे इस साइड ही फोर्स लगा रही यानी कि लेफ्ट में कि वापस चली जाए अपने पोजीशन पे ठीक है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास की माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ kx दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू के एक्स होता है ma तो ma इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू के एक्स ना ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स या ए इज प्रपोर्शनल टू एक्स कह सकते हैं माइनस का साइन तो टूअर्ड द मेन पोजिशन ये कैसे कहा हमने क्योंकि के और के एम और टू तीनों ही कॉन्स्टेंट है अच्छा एज एक्सेलेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिसप्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टली टूअर्ड द मेन पोजिशन ये कैसे पता माइनस साइन से सो द मोशन इज एस एच एम

इसमें वैल्यूज पुट की तो ये निकलता है थ्री पॉइंट वन एट हर्ड्स दूसरा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए ठीक है इसमें वैल्यूज पुट की तो ये निकलता है एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तीसरा आता है मैक्सिमम स्पीड वी इज इक्वल टू ओमेगा ए इसमें वैल्यूज पुट की तो ये निकलता है पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड Question number three A spring with a spring constant 1200 Newton per meter is mounted on a horizontal table as shown. A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring. The mass is then pulled sideways to a distance of 2 cm and released. Let us take the position of the mass when the spring is upstretched as x equal to 0 and the direction from left to right as the positive direction of x axis give x as a function of time t for the oscillating mass if at the moment we start the stop was t equal to 0 when the mass is first at the mean position those are at the maximum stretch position and third at the maximum compressed position in what way do these functions for shm differ from each other in frequency in amplitude or the initial phase तो हमारे पास क्या क्या गिवन है के इज ट्वेल्व हंड्रेड न्यूटन पर मीटर एम इज थ्री के जी ए इज़ टू सेंटीमीटर उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो आया जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर्स अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ के बाय वैल्यूज पुट की तो ये हमारा बना ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड अच्छा अब हमारा टाइम जो है वो मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अगर वो एक्सट्रीम से होता तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाता ये वैल्यू पुट करके देख सकते हो ठीक है तो पहला मीन पोजीशन पे फाइव आपका जीरो होगा तो हमारे पास आता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इसमें हमने a की और ओमेगा की वैल्यू रखी तो ये आया x इक्वल टू टू साइन ट्वेंटी टी दूसरा एट द मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन फाइव होगा 90 डिग्री उसमें मास जो है वो एक्सट्रीम राइट right की तरफ है इसीलिए फाइव आपका हो गया 90 डिग्री इस सिनेरियो में एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस नाइन्टी डिग्री दैट इज ए कॉस ओमेगा टी यही बोला था ना स्ट्रेच पोजिशन पर हम कॉस वाला लेंगे इसमें वैल्यूज रखी तो आया टू कॉस ट्वेंटी टी इसी को कंटिन्यू करते हैं ए और बी पार्ट हो गया है अब हम आते हैं सी पार्ट के ऊपर जिसमें है हमारा केस एट द मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन उस केस में फाइव होगा थ्री पाई बाई टू एज मास इज टूवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाई टू जिसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए कॉस ओमेगा टी क्यों क्योंकि साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू रखते हैं तो आता है x इज इक्वल टू माइनस टू कॉस्ट ट्वेंटी टी अच्छा अब हमसे पूछा था इन फंक्शंस में क्या डिफरेंस और क्या सेम है तो इन फंक्शंस की सेम फ्रीक्वेंसी है जो कि है 3.18 पर सेकेंड एम्पलीट्यूड सेम है 2 सेंटीमीटर बट इनके इनिशियल फेस डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर फोर फिगर ए शोज अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के क्लाम्प्ड रिजिडली एट वन एंड एंड अ मास एम अटैच टू इट्स फ्री एंड अ फोर्स एफ अप्लाइड एट द फ्री एंड स्ट्रेच इज द स्प्रिंग फिगर बी शोज द सेम स्प्रिंग विद बोथ एंड फ्री एंड अटैच टू अ मास एम एट आईदर एंड ईच एंड ऑफ द स्प्रिंग इन फिगर बी स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स एफ डायग्राम दोनों दिखाई दे रहे हैं वॉ पार्ट ए है वॉट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द टू केसेज अलग -अलग पार्ट बी इफ द मास इन फिगर एंड दोनों टू होता है के एक्स यहाँ पे एक्स की जगह एल है तो एफ इक्वल टू के एल एल आ गया एफ अपॉन के अब दूसरे वाले में देखते हैं यहाँ पे है एफ इक्वल टू टू के एक्स ये क्यों आया क्योंकि हमने जो सिस्टम है इसको डिवाइड कर दिया दो सिमिलर सिस्टम्स में ठीक है जिनमें हमने क्या किया स्प्रिंग को भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया तो दो सिस्टम बन गए तो यहाँ पे के जो है वो यहाँ टोटल का था लेकिन जब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो के डैश हो जाएगा टू के के बराबर इसीलिए आ गया एफ इज इक्वल टू टू के एक्स ठीक एक्स की जगह यहाँ हो जाएगा एल बाय टू क्योंकि टोटल जो था वो एल था इसका हाफ करोगे तो एल बाई टू ही हो जाएगा ना क्योंकि हमने डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर पार्ट्स कहा यहाँ से भी एल इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई के अब बी पार्ट के लिए एफ इक्वल टू के एक्स दूसरा होता है एफ इक्वल टू एम ए दोनों को रिलेट किया तो एक्स बाय इज इक्वल टू एम बाई के टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू टू पाए अंडर रूट ऑफ एक्स बाय ए जिससे हमें मिला टी इक्वल टू टू पाए अंडर रूट ऑफ एम बाई के एज द आंसर फॉर दिस वाला पार्ट दूसरे में आ जाते हैं एफ इक्वल टू टू के एक्स अभी बताया था और एफ इक्वल टू एम ए भी होता है तो यहाँ से एक्स बाय ए आएगा एम बाय टू के नॉट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एक्स बाय ए विच विल गिव द आंसर टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय टू के एज द टाइम फॉर रीकैप क्या क्या पढ़ा हमने भाई हमने पढ़ा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन्स ऑफ टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर जिसे हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी जिसमें m आ गया इनर्शिया फैक्टर के हो गया स्प्रिंग फैक्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में था टीवल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ अपॉन के वन प्लस के टू सीरीज कॉम्बिनेशन में था टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम इन टू के वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू और तीसरा केस था जिसमें आपका दो स्प्रिंग्स एक मास के साथ अटैच थी और दोनों स्प्रिंग जो हैं वो दूसरी साइड में आपका रिजिड सपोर्ट से अटैच है उसमें टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय टू के आता नाउ इज द टाइम फॉर असाइनमेंट तो ये हो गए आपके पहले छः क्वेश्चन इन्हें ट्राई करो खुद करने की जब ये हो जाए तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे ना दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन डू ट्राई ऑल द क्वेश्चन हो जाए बहुत अच्छी बात है नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो देख लेना जिसमें इसके सॉल्यूशंस हैं ना इज द टाइम फॉर एक्नोलेजमेंट गूगल बिंग एन सी आर टी यूट्यूब सबका धन्यवाद जहाँ से जो चीजें ली गई एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन असाइनमेंट ऑन ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग्स थैंक यू सो मच